हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का जो इंग्लिश बुक है बिहाइव, उसी में एक पोएम दिया गया है द विंड, इसी का आज हम लोग सॉल्यूशन जो है बनाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस जब भी आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। बिना किसी देरी करते हुए आइए इसको अब हम लोग आगे बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो यहाँ दिया गया है, इसमें विंड क्या क्या करता है, लेट्स सी। इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो। पहले स्टेंजा में हवा डोर्स ऑफ द विंडोज़, यानी कि खिड़की का जो दरवाज़ा होता है उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। स्कैटर्स द पेपर्स, कागज़ को स्कैटर छितरा देता है, इधर उधर बिखेर देता है। एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेफ, और रैक पर या किसी शेफ पे जो बुक्स रखा होता है उसको वो थ्रोज कर देता है, यानी कि इधर उधर गिरा देता है। इट ऑल्सो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन, यह बुक्स के पेजेस को भी टीयर कर देता है एंड ब्रिंग्स रेन। और इसमें एक अच्छी बात यह भी होती है कि ये हमारे लिए रेन लाता है। ओके, सो दिस वॉज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, हैव यू सीन एनी बडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। क्या आपने घर पर किसी को विनो करते हुए देखा है या किसी पैडी फील्ड में, धान के खेत में। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, आपकी भाषा में इस विनोइंग को क्या कहा जाता है। व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग, आखिर विनोइंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम, अगर आप इसको जानते हैं तो आप उस वर्ड को लिख भी सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। यस, आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज शैप्स एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स। हाँ, मैंने लेडीज़ को देखा है क्या चीज़ करते हुए, विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज, यानी कि भूसी को अलग करते हुए इस प्रक्रिया के द्वारा शैप्स इज़ दी आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रेन्स, ग्रेन का जो ऊपरी परत होता है, जो छिलका होता है, ठीक है। एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ग्रेन्स में कई सारे डस्ट मटेरियल वगैरह पाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया के द्वारा इन सब चीज़ों को अलग किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड बरसाना और दौनी, इसको किसी भाषा में बरसाना भी कहा जाता है या गांव वगैरह में इसको दौनी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट यहाँ कहते हैं कि आखिर विंड गॉड किस चीज़ को विनो करते हैं। लेट्स सी, द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट आवर होम्स। हमारे घर में जितने भी सामान जो उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, उन सभी को विंड गॉड क्या कर रहे हैं, विनोज कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। हवा के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सी, द पोएट एडवाइजेज दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड फिक्स द डोर्स फर्मली टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड्स। नाउ व्हाट डज द पोएट डू, द पोएट एडवाइजेज अस, पोएट यहाँ पर हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि हवा के साथ, विंड के साथ दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें एट स्ट्रॉन्ग हाउसेज, वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज, हमें एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए, मजबूत घर बनाना चाहिए। एंड फिक्स द डोर्स फर्मली, और उन दरवाज़ा में जो उन घरों में जो दरवाज़े होते हैं उसको फॉर्मली फिक्स करना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से फिक्स करना चाहिए,
ताकि मैं हम लोग हवा के साथ दोस्ती कर सकें। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ। हमें हमेशा अपने जीवन में जो चुनौतियाँ फेस करते हैं उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। अंतिम जो 4 लाइन्स दिए गए हैं, देर आर 4 लाइन्स, द लास्ट 4 लाइन्स, तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सी। द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटर्मिंड एंड लैक कॉन्फिडेंस फेस डिफीट। अंतिम 4 लाइन्स जो है, जो लास्ट 4 लाइन्स दिए गए इस पोएम में, वो हमें ये मैसेज देता है कि अगर हम लोग डिटर्मिंड नहीं होते हैं, ठीक है, अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं हैं एंड लैक कॉन्फिडेंस, एंड इफ़ वी लैक कॉन्फिडेंस वी विल फेस डिफीट। अगर हमें उत्साह में या कॉन्फिडेंस में कमी होगी तो क्या होगा, हमें हार का सामना करना पड़ेगा। एंड दोज हु सेट दियर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी ऑब्स्टेकल इन दियर लाइफ्स। और वैसे व्यक्ति, वैसे लोग जो अपना गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है, अपना टारगेट सेट करते हैं और हमेशा वो एक सिंसियर एफर्ट्स देते हैं, आर नॉट डिस्टर्ब, तो वो अपने जीवन में किसी भी बाधा से, किसी भी मुश्किल से वो नहीं घबराते हैं और वो उनकी जीत हमेशा पक्की होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर। इस पोएम में, इन दिस पोएम, हाउ डज द पोएट टॉक विद विंड। आखिर ये कवि जो है इस पोएम में हवा के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, इन एंग्री वे और विद ह्यूमर, मतलब गुस्से में आकर के बात कर रहे हैं या हास्यास्पद तरीके से, ह्यूमरस वे में वो बात कर रहे हैं। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने हवा के बारे में सुना होगा कि कई सारे लोगों का जीवन जो है वो क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। वॉट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर। इज इट लाइक द पोएट्स, क्या ये भी पोएट की जैसा है, आइए देखें। द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन अ ह्यूमरस मैनर। हेयर इन द पोएम द पोएट टॉक्स विद द विंड इन अ ह्यूमरस मैनर, यानी कि इस कविता में पोएट विंड के साथ बात तो कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से, ह्यूमरसली, हास्यास्पद तरीके से। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू द पोएट्स बिहेवियर इज फ्रेंडली, मीन्स कि मेरे अनुसार, मेरे सोच के अनुसार पोएट जो है, यहाँ पोएट का बिहेवियर क्या है, इट इज़ फ्रेंडली, ठीक है। येस आई हैव सीन द विंड डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, हाँ मैंने देखा है कि हवा के द्वारा कई सारे प्रॉपर्टीज़ जो है डैमेज हो जाता है, क्षति पहुँचती है। द पोएट इन्वाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। नाउ एट लास्ट व्हाट डज द पोएट डू, द पोएट इन्वाइट्स द विंड टू अटैक हिम, ठीक है, वो पोएट क्या करते हैं, पोएट लास्ट में वो विंड को इन्वाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आओ, ठीक है, एंड अटैक हिम एंड इंटेंट्स टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। और वो अंत में क्या करते हैं, अंत में अपने आप को उस अटैक के लिए प्रिपेयर करते हैं कि आ जाओ, मैं तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं तुम्हें जिस तरह से अटैक करना हो आ सकते हो। सो दिस वॉज दी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर द विंड। विंड का जो है ये एक चैप्टर दिया गया है, एक पोएम दिया गया है, इसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 और है यहाँ, द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज़ ओरिजिनली इन द तमिल। इस पोएम को जो हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, ये एक्चुअली तमिल लैंग्वेज में इसका ओरिजिनल वर्जन है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज, तो ये आप लोग खुद बना लेंगे, ये आप लोग खुद तैयार कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे पोएम्स देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएँ, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे
मैं और भी अच्छे वीडियोस, इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।